हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉबी शॉपी। ये मैंने एक कुर्ती प्रिपेयर की है, इसमें ये राउंड कॉलर है, इसी राउंड कॉलर की आज हम कटिंग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। इसके लिए आप इस तरह का ये बुकरम ले सकते हैं जो हम नॉर्मली सलवार में यूज़ करते हैं, इस तरह से आप ये कॉलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली कॉलर बनाने के लिए ही मिलता है। ये वन साइड से स्टिकेबल होता है, जिसे आप वन साइड से प्रेस करेंगे तो ये कपड़े पे स्टिक हो जाएगा। हम इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे और हमारा नेक राउंड का हाफ प्लस 3/4 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा नेक राउंड है 14 का हाफ होगा 7 में प्लस 3/4 इंच ऐड करके हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं, अबाउट 1/4 इंच मोर। देन ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी अगर आप टोटल लेंथ देखने जाएंगे तो ये इस तरह से 15.5 समथिंग कुछ होगा। देखिए हम इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ इसे 1/4 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1/4 इंच पे मार्क कर लिया है। आप चाहे तो इस तरह से इसे मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ से 1 to 2 1 inch एंड प्लस 2 लाइन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये 1/4 हुआ, या तो फिर आप ये इस तरह से मेजर कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो। ओके, देन हम यहाँ से 7/3/4 inch पे स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे। ये 7.5 इंच है प्लस हमने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिया है तो ये हुआ 7/3/4, इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे से भी 1 and 1/4 inch हम मेजर कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमारी ये लाइन तिरछी ना हो। अब हम यहाँ से 7/3/4 का हाफ करेंगे तो होगा अप्रॉक्स 4 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे मिडिल का पॉइंट निकाल लेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से लास्ट पॉइंट से 3/4 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और वहाँ से हम 1 इंच नीचे की ओर लेंगे एक्स्ट्रा। अब हम इस दोनों पॉइंट को ऐड कर लेंगे। अब ये मिडिल पॉइंट से हम हल्का सा कर्व देते हुए अपने कॉलर की शेप देंगे इस तरह से, और यहाँ हम ये जो नीचे स्ट्रेट है वहाँ से भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे हाफ कर्व दे भी दे सकते हैं थोड़ा, जिससे कि आपका कॉलर थोड़ा सा कर्वी हो और डिफरेंट लुक हो। अब इसमें यहाँ से मैंने आप यहाँ स्ट्रेट लिया, आप चाहे तो यहाँ से थोड़ा बाहर के साइड भी लेकर इसे और शेप दे सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। कट करते समय ध्यान रखें कि आप दोनों लेयर इक्वली रखें, अदरवाइज आपकी कॉलर तिरछी कट हो जाएगी। जो ये इस तरह से हमारा कॉलर की कटिंग हो चुकी है, देखिए ये इस तरह से आएगा। अगर आप कर्व देते हैं तो ये ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व होगा। अब हम इसे क्लॉथ पे कटिंग करेंगे। इसके लिए हम फोल्डेड पार्ट को फोल्डेड क्लॉथ पे ही रखेंगे उस साइड पे, और हम इसे तीनों तरफ से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें 2 क्लॉथ की ज़रूरत है तो हम इस तरह से 2 कपड़े इसके कट कर लेंगे। तो अभी ये हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से मैंने 2 कट कर लिए हैं। अब हम इसमें कॉलर रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर के साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमें साइड पे स्टिच करनी है बिल्कुल किनारी पे, और ये स्टिचिंग एक इक्वली होनी चाहिए। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे। हम साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें ओनली 3 साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारे हो चुके हैं स्टिचिंग। अब हम ये कॉर्नर कट कर लेंगे जो कि ऊपर की साइड है, जिससे कि हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये अच्छी सी फिनिशिंग से फोल्ड हो, और ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रखिए थोड़ा सा क्लॉथ हम साइड पे रखेंगे अप्रोक्स 1/4 इंच, और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस दे देंगे। नॉचेस देते टाइम ध्यान रखिए कि आपकी स्टिचिंग है वो कट ना हो। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे अपर स्टिच दे देंगे। ओनली 3 साइड से हमें इसे अपर स्टिच देनी है, और ये हमें एकदम किनारे किनारे पे देनी है बहुत ही फिनिशिंग से। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किया है ताकि आपको ये इसकी स्टिचिंग दिख सके। तो देखिए कितनी प्यारी स्टिचिंग हुई है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। जब इसे कुर्ती पे अटैच करेंगे तो ये बचा हुआ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके थ्रू ही हम इसे अटैच करेंगे, तो ये अंदर की तरह इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से ये कॉलर दिखती है, देखिए इस तरह से। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।